Hey guys and welcome back to my channel. Today I'm back with a video where I'm gonna be sharing a beautiful recipe of egg curry guys. बहुत ही ज़्यादा simple and yummy होने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना guys. And if you're new to my channel, please do subscribe my channel and click the bell icon so that you'll always get the notification of the latest update guys. Don't forget to like, share, comment guys. चलिए let's get in the video. ये देखिए गाइस, मैं आज आप लोगों को एक डिफरेंट सा एक रेसिपी दिखा रही हूँ जो एग करी है गाइस. इसमें मैंने 10 अंडे लिए, ये मीडियम साइज ऑनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड थोड़ा सा ग्रीन चिलीज, ये पोटैटोस मीडियम साइज का लिया है, कोकोनट इसको अच्छी तरह से पीस लिया है एंड ये थोड़ा सा इसका मसाला है गाइस. तो उसके पहले मैंने ऑलरेडी पैन को गरम कर दिया है और तेल भी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा गरम करने के लिए छोड़ दिया है. अभी हम लोग इसका प्रोसेस दिखाएंगे. अब ये देखिए गाइस, तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है. अभी हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे. इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लीजिए. ये देखिए गाइस, अच्छी तरह से भून गया है. अभी हम लोग इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे. गाइस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि मुझे फीका ज़्यादा पसंद है. अगर आप लोगों को फीका पसंद नहीं है तो आप कम भी कर सकते हो. इसको भी थोड़ी देर के लिए इसे अच्छी तरह से भूनने के लिए छोड़ दीजिए. ये देखिए गाइस, परफेक्टली फ्राई हो गया. अभी हम लोग इसी टाइम पर हम लोग चॉप किया हुआ ऑनियंस भी ऐड करेंगे. गाइस इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंडर में थोड़ा सा पीस लिया था इसलिए ऐसा है. एक राउंड मैंने ऐसे ही इसको पीस लिया था ग्राइंडर में. तो अभी इसको भी अच्छी तरह से आप लोगों को भूनना है. ये देखिए गाइस, परफेक्टली भून गए. अभी हम लोग इसी टाइम पर हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे एंड इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए. गाइस आपको इसको अच्छी तरह से भूनने के लिए छोड़ना है क्योंकि अगर अच्छी तरह से ये भूनेगा नहीं तो फ्लेवर में और टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा. इसलिए तो अच्छी तरह से आपको फ्राई करना है. गाइस हमने पहले ही इसलिए सॉल्ट ऐड किया क्योंकि सॉल्ट ऐड करने से ये तेल ऊपर छूटता है गाइस, इसलिए हम लोगों ने ऐड किया है. बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है, आप ऐसे ही प्रोसीजर में आप लोगों को करना है गाइस. इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दीजिए. ये देखिए गाइस, परफेक्टली फ्राई हो गया. अभी हम लोग इसमें मसालाज ऐड करेंगे तो बीच में ऐसे ही आप लोगों को गैप छोड़कर आप लोगों को डालना है. तो यहाँ पर 6 टेबलस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून हम लोग रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे गाइस. इसको भी अच्छी तरह से मिला लीजिए. अभी 1 टीस्पून हम लोग हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए. ये देखिए गाइस, एक परफेक्ट कलर आ गया इसमें. तीनों मसाला आपको ऐड करके ऐसे ही देखिए, एक परफेक्ट कलर आ गया इसमें. अभी 1 टीस्पून जीरा पाउडर आपको ऐड करना है. अभी हम लोग इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे गाइस, 1 टीस्पून है. इसको भी अच्छी तरह से आप लोग अच्छे से मिला दीजिए. थोड़ा सा करी लीव्स भी मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से. ये देखिए गाइस, परफेक्टली मिक्स हो गया. एंड गाइस जब आप लोग मसाला ऐड करेंगे सारा प्रोसेस आप लोगों को सिम में रख ही करना है, नहीं तो जल जाएगा सब कुछ. अभी हम लोग इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे गाइस, ठंडा पानी आप लोगों को ऐड नहीं करना है, गरम पानी आप लोगों को ऐड करना है एंड अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दीजिए. ये देखिए गाइस, पानी सब कुछ ऐड कर दिया. अभी हम लोगों को एक उबाल आने तक आप लोगों को वेट करना है. देखिए गाइस, अभी एक उबाल आ गया. अभी हम लोग इसमें बॉईल किया हुआ पोटैटोज ऐड करेंगे गाइस. इसको मैंने कट किया है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए. अभी इसी टाइम पर हम लोग बॉईल किया एग भी ऐड करेंगे.
इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। देखिए गाइस सब कुछ मिक्स कर दिए, अभी 5 मिनट्स के लिए ऐसे मसाला पकड़ने के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए गाइस सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है, अभी थोड़ा 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही बॉईल करने के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए गाइस 5 मिनट्स के बाद एक अच्छा सा एक उबाल आ गया और सब कुछ मसाला भी पकड़ लिया है एग में और पोटैटोज में भी। अभी हम लोग इसमें कोकोनट मिल्क भी ऐड करेंगे। परफेक्टली आपको मिक्स करना है, ये मिक्स करने से थोड़ा सा डिफरेंट ही टेस्ट आता है गाइस, इसलिए। ये देखिए गाइस एक परफेक्ट कलर आ गया इसमें, ऑलमोस्ट 1 बाउल पूरा मैंने कोकोनट मिल्क ऐड किया है। थोड़ा सा उबाल आने तक आप लोगों को छोड़ना है। देखिए गाइस एक परफेक्ट उबाल आ गया, अभी हम लोग इसी टाइम पर लास्ट टाइम पर हम लोग थोड़ा सा और गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून गाइस, एंड अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर दीजिए। ये देखिए गाइस परफेक्टली बन गए, गैस को भी ऑफ कर दीजिए इसी टाइम पर। ये देखिए गाइस एक छोटा सा कढ़ाई लिया है सो गरम करने के लिए छोड़ दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। अभी हम लोग ऊपर से थोड़ा सा मस्टर्ड ऐड करेंगे गाइस, इसका फ्राई हम लोग डाल रहे हैं, थोड़ा सा और चिलीज ऐड किया है जो फ्राइड वाला चिलीज है, एंड करी लीव्स भी ऐड करने हैं। ये देखिए गाइस परफेक्टली फ्राई हो गया है, अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे करी में। ये देखिए गाइस पूरा आपको ऐड करना है। ये देखिए गाइस डालने के बाद आप लोगों को 3 मिनट के लिए ऐसे ढक कर रखना है। गाइस 3 मिनट्स हो गए हैं, अभी हम लोग देखेंगे। ये देखिए परफेक्ट बन गए, अभी हम लोग इसको एक बार मिला दीजिए एंड आप लोगों को सर्व करना है। अभी हम लोग इसको सर्व कर रहे हैं गाइस, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। देखिए गाइस परफेक्ट करी बन के बहुत ही ज़्यादा यमी एंड टेस्टी बनता है गाइस, ज़रूर ट्राई करना आप लोग। आप लोग चावल के साथ या चपाती के साथ, पूरी के साथ या परोठे के साथ, आप कोई सा भी डिश के साथ ये खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा यमी एंड टेस्टी आता है गाइस, तो ज़रूर ट्राई करना। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो भी कर दीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते ही जाएगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए गाइस। सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय बाय।